अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज ये हमारा आखिरी उपवास होगा, कल से हम कल आखिरी वीडियो होगा मेरा, अनलेस आई फाइंड मोटिवेशन टू डू सो। दोस्तों मैं कहीं कहीं ऐसा पढ़ती हूँ, जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि माँ दुर्गा या माँ शक्ति कोई हार्ड मास की कोई औरत है जो ऊपर आसमान में बैठी हैं और दूरबीन लगा के सबको देखती हैं, कौन मंदिर गया कौन नहीं गया, और उसी के हिसाब से फिर उनका अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं और धर्म को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नो कि उनका वेरी बेसिस इज ऑल्सो साइंस। सो शक्ति ऐसा नहीं कि कोई औरत है, शक्ति हर एक में है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, ये दीज आर द टू बेसिक फंडामेंटल जो है चीज़ें हैं इस एग्जिस्टेंस की। तो एनीवे मैं आपको, वैसे तो 108 रूप होते हैं शक्ति के, उस डायमेंशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, उनमें से मेन है 9, जिनकी जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिस तरह से उनका अध्ययन कीजिए, उनका साइंटिफिक अध्ययन कीजिए, उनको ऐसे मत सोचिए, किसी तरह के सुपरस्टिशन से मत, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए। वो एक भक्ति का डायमेंशन था जो जो लोग पढ़ नहीं सकते, तर्क वितर्क को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनके लिए मेटाफर्स बनाए हुए थे। लेकिन जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग ये ऑनलाइन है सब कुछ, आप लोगों के लिए भक्ति योग नहीं, आप लोगों के लिए जनन योग होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए, द योग ऑफ ओरिजिन, द साइंस ऑफ ओरिजिन। इस तरीके से आप अध्यात्म को पाइए। भक्ति इज कैन कम लेटर, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ योगा। तो हम लोग जो आम लोग होते हैं, जो साधारणतः दो जो शक्ति की फॉर्म है उनमें टैप इन करते हैं। सबसे पहले तो आता है जब हम छोटे होते हैं सरस्वती, तो जब हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिनका प्रमुख चीज़ ये बताई गई कि जब भी आप विद्या करते हो, आप अगर स्वस्थ सरस्वती माँ की पिक्चर को नोटिस करेंगे तो दोस्तों उसमें देखेंगे कि वो सफ़ेद साड़ी पहने रखते हैं। तो सफ़ेद रंग इज़ अ मेटाफर, रूपक है वो संन्यास का, कि आपको हर चीज़ को लेकर दुनिया में डिस्पैशन दिखाना पड़ता है, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो किसी और चीज़ से आपको प्यार हो, चाहे भोजन हो, चाहे सोने से, हर चीज़ से आपको डिस्पैशन दिखाना पड़ता है। वो एक वीणा लेके बैठी होती है, वीणा जिस तरह से उसका जो रूपरेखाएं हैं वीणा की, दैट इज ऑल्सो अ मेटाफर ऑफ मेडिटेटिवनेस। उनके आसपास बतके होते हैं, बतके चाहे कितना भी पैडल करें, लेकिन वो जो एक जो सरफेस है वाटर का, उसको वो कभी भी छोटे छोटे रिपल्स बनाती हैं, मगर दे डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। तो इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती है, इस डायमेंशन में जाके विद्या ग्रहण की जाती है। अगर आप लक्ष्मी की फोटो देखें, वो खड़ी होती हैं, लाल रंग के वस्त्र उन्होंने पहने होते हैं, बिकॉज रेड कलर्स इज अ सिंबल ऑफ पैशन। तो अगर आपको पैसा कमाना है, और पूरा उनका श्रृंगार है एक सुहागन औरत की तरह, क्यों? क्योंकि वो एक गृहस्थ को, उसको सिंबॉलिक करती हैं, बिकॉज द जो आपका एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बिकम्स वेरी पैशनेट, इट्स नॉट अ डायमेंशन ऑफ डिसपैशन। तो और खड़ी होती है लक्ष्मी, बैठी होती है सरस्वती, बैठी होती है, क्योंकि आप एक बार विद्या ग्रहण कर लें, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मगर लक्ष्मी कभी आएंगी कभी जाएंगी। सो दीज आर द डायमेंशन, जब तक आप इनकी तपस्या नहीं करेंगे तब तक आप उनमें टैपिंग नहीं कर सकते। अब आप संन्यास लेके पैसा कमाना चाहेंगे, या आप पैसा कमाते हुए विद्या ग्रहण करना चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से अगर आपको अपने दुश्मनों का संहार करना है, तो आपको जो जो माँ की बहुत ही फियर्स डायमेंशन है उसमें टैप इन करना पड़ता है। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, तो देन देर आर अदर डायमेंशंस विच आर मोर काइंडनेस, जेंटलनेस, लव ओरिएंटेड। तो ये हर एक के लिए है। जिसे मैंने कहा कि एक औरत में भी मैस्कुलिन साइड होती है, उसी तरह से पुरुषों में भी फेमिनिन साइड होती है। एंड जो भी प्राणी इन दोनों डायमेंशंस को बराबर से अपने अंदर इस्टेब्लिश करता है, दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन बींग। तभी तो हमारे जो हाइएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा इज अर्धनारीश्वर, बिकॉज ही शोज लिटरली विजुअली हिमसेल्फ एज अ परफेक्ट मैस्कुलिन एंड अ परफेक्ट फेमिनिन बींग। तो ये है नवरात्रों का। और जो जो भी मूर्ख है सब कहेगा कि कुछ लोगों का मैंने पढ़ा, कोई बदमाश लोग बदमाशी कर रहे हैं कि कोई औरत आएगी इनको बचाने, क्या हिंदुओं को ये वो, अरे मूर्खों, अगर इफ यू फाइट कोरोना टुमारो इज बिकॉज योर शक्ति प्रोटेक्टेड यू, इजंट इट।